मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फार्मिंग एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्लांट किंगडम वनस्पति जगत के पहले अवयव शैवाल के बारे में पढ़ा था कि शैवाल तीन प्रकार का होता है और उसमें पहला था ग्रीन एल्गा या हरे शैवाल, इनका क्लास है क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जानेंगे क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों को हरे शैवाल कहते हैं। अगला पॉइंट है हरे शैवाल प्रायः समुद्रों या समुद्री किनारों पर नहीं पाए जाते। जिसको हम लोग कहते हैं सीशोर, तो ये हरे शैवाल जो है ये प्रायः समुद्री तट पर नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट है ये एक कोशिकीय कॉलोनी में अथवा तंतुमय हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ये सिंगल सेल्ड होंगे, एक कोशिकीय होंगे, कॉलोनी में एक साथ में कई जुड़े होंगे अथवा फिलामेंटस या तंतुमय हो सकते हैं। अगला पॉइंट है माप के अनुसार एक कोशिकीय और एक कोशिकीय को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी है, जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाए, और जैसे क्लेमाइडोमोनास। कहने का तात्पर्य है कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो सूक्ष्मदर्शी है या एक कोशिकीय हरा शैवाल है। दूसरा है मंडलीय, जिसको हमने कॉलोनी कहा है, मंडलीय ये जैसे वालवाक्स। तीसरा प्रकार है सूत्रवत फिलामेंटस और ये जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये खूब पूछे जाते हैं कि मंडलीय शैवाल निम्न में कौन है या एक कोशिकीय शैवाल निम्न में कौन है या सूत्रवत फिलामेंटस शैवाल कौन सा है। अगला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं, इसके प्रकार हमने हरित लवक वाले वीडियो में पढ़ा है, तो क्लोरोप्लास्ट ए और बी, क्लोरोप्लास्ट बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास
की तरह होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि शैवाल एक ऐसे निम्न कोटि के पौधे हैं जो उच्च कोटि के पौधों के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक पाया जाता है। इस पॉइंट को यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य निम्न कोटि के पौधे हैं जो उच्च वर्गीय पौधों के समान हरे वर्णक रखते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट शैवालों में होता है वही उच्च वर्ग के पौधों में भी होता है, तो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं वो है तो निम्न कोटि के पौधे, लेकिन ये उच्च वर्गीय पौधों के समान क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। अगला पॉइंट है, ये जो वर्णक है जिसको पिगमेंट कहते हैं, वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अगला पॉइंट है, विभिन्न जातियों में क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह या जालिकाकार रेटिकुलेट कहते हैं, कप के आकार का सर्पिल स्पाइरल जिसको कहते हैं, अथवा रिबन के आकार का होता है। इसमें से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क प्लेट की तरह का क्लोरोप्लास्ट किसमें है या कप के आकार का किसमें है, तो इसको लिख लेते हैं गर्डिल से ये पाया जाता है यूरोथ्रिक्स में। कप के आकार का ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। रिबन के आकार का स्पाइरोगायरा में, और सैटेलाइट जेल सैटेलाइट के आकार का ये पाया जाता है जिग्नेमा में। ये विभिन्न प्रकार हमने बताए कि जो
विभिन्न जातियों में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग आकार का होता है, तो गर्डिल शेप किसमें, यूरोथ्रिक्स में। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में उत्तर होगा रिबन के आकार का होता है, या डायरेक्ट पूछ लिया जाए क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका आकार क्या है। अगला पॉइंट देखेंगे, अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है अधिकांश सदस्यों में, उनमें जो पायरिनाइड की संख्या है, वो पायरिनाइड जो है किसी क्लोरोप्लास्ट में एक के किसी में एक से अधिक होते हैं, और ये पायरिनाइड है क्या? पायरिनाइड मंड, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, से घिरी हुई प्रोटीन के कण हैं। मतलब प्रोटीन का वो कण जो चारों ओर से मंड या स्टार्च से घिरा हो उसको हम पायरिनाइड कहते हैं, और ऐसे कण कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पायरिनाइड पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अगला पॉइंट है, पायरिनाइड मंड बनाने के केंद्र हैं। पायरिनाइड मंड बनाने के केंद्र हैं। पायरिनाइड में ही स्टार्च बनता है। हम लोग जानते हैं कि जो पौधे हैं ये अपना संग्रहित भोजन मंड या स्टार्च के रूप में रखते हैं, लेकिन कुछ शैवाल तेल बुंदक आयरन ड्रॉपलेट्स तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। अगला पॉइंट है, समुद्री हरा शैवाल जिसका नाम है डूना लैला, ये ग्लिसराल का संग्रह करता है। क्या कह रहे हैं कि कुछ शैवाल तेल बुंदक जब एक नाम ले लिया डूना लैला, ये डूना लैला जो हरा शैवाल है समुद्र में पाया जाता है, ये ग्लिसराल का संग्रह करता है। अगला पॉइंट है, हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। और ये विशेषता किसकी है? पौधों की। जो पौधे होते हैं उसमें सेल वाल पाई जाती है, और चूंकि शैवाल भी पौधे हैं इसमें प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी
भीतरी सतह सेल्यूलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। अगला पॉइंट है, ये जो हरे शैवाल है ये कायिक जनन प्रायः अधिकतर जिसको कहते हैं तंतु के टूटने से फ्रेगमेंटेशन जिसको बोल सकते हो अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु जिसको आप स्पोर जानते हो के द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन कशाभियुक्त फ्लैजेलेटेड कशाभियुक्त जूस्पोर जिसको आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में चल भी जाऊं से होता है। और ये जो जू स्पोर है ये जू स्पोरेंजिया जू स्पोरेंजिया जिसको कहते हैं चल बीजाणुधानी में बनते हैं। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं में के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये जो लैंगिक जनन है इसकी जो लैंगिक कोशिकाएं होंगी ये बनने में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अलग अलग हरे शैवालों में अलग अलग प्रकार की लैंगिक कोशिकाएं होती हैं और ये हो क्या सकता है ये समयुग्मकी विषमयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी हो सकते हैं जिसको हमने आइसोगैमस एनिसोगैमस हेटरोगैमस पढ़ा था। समयुग्मकी विषमयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है इस वर्ग का मतलब क्लोरोफाइसी इस वर्ग के सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास
वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। है ये सामान्य सदस्य हैं, बाकी और सारे हैं। इनके बारे में एक एक पॉइंट अब जानते हैं और ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा का विस्तृत अध्ययन जानेंगे। पहला पॉइंट है अगेंस्ट क्लोरेला, शैवाल का नाम है क्लोरेला, एक कसाब रही नॉन फ्लेजलेटेड, इसमें कसाब नहीं पाया जाता, अचल, जो गमन नहीं करता है, अचल एक कोशिकीय हरा शैवाल है। अगला पॉइंट है वॉलवॉक्स चलायमान, मतलब इसमें कसाब होंगे, या इसी को कह सकते हो कसाबीय कॉलोनी है। बहुत सारे वॉलवॉक्स एक में जुड़े होंगे, कसाबीय कॉलोनी वाला शैवाल है। अगला पॉइंट है जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, शेफेल्यूरोस, जो सेफेल्यूरोस है एक परजीवी हरा शैवाल है। हम जानते हैं कि जो परजीवी है वो किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा, जो चाय की पत्तियों पर परजीवी है और रेड रस्ट चाय का, रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है। और काफी पर भी, काफी का जो पौधा होता है काफी पर भी प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट है जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, फिर से पढ़ लेते हैं, क्लेडोफोरा, ये भी मोलस्का संघ के जंतु, जिसको हम लोग जानते हैं घोंगा देखा होगा पाइला कहते हैं, मोलस्का संघ के जंतुओं के खोल, पर उगता है। घोंगा की बात की है कि मोलस्का संघ का जो जंतु घोंगा है उसकी खोल पर उगने वाला जो सारा शैवाल है उसी का नाम क्लेडोफोरा है। अगला पॉइंट है कारा, कारा में नर जनन अंग
जिसको हम लोग एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल ये ग्लोब्यूल या नरजननांग या एंथ्रीडियम जो काला है उसकी निचली सतह पर और गोलाकार होता है। तथा मादा जनन अंग जिसको हम उगोनियम कहते हैं या इसी को कहते हैं नाक्यूल, खूब इसको याद रखिएगा, ग्लोब्यूल और नाक्यूल, ये उडोगोनियम या नाक्यूल क्या है, ये मादा जनन अंग है, और ग्लोब्यूल क्या है, वो नर जनन अंग है। और ये जो उडोगोनियम है, जैसे एंथ्रीडियम निचली सतह पर है, तो ये नाक्यूल या उडोगोनियम जो है ये ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। अगला पॉइंट है कारा में कैल्शियम पाया जाता और एक है कि ये जो कारा है ये कीटों का नियंत्रण भी करता है, कीट नियंत्रण के गुण भी होते हैं। इसको बोलते हैं लार्विसाइडल प्रॉपर्टी, कीट नियंत्रण का गुण पाया जाता है किसमें, कारा में। अगला पॉइंट है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दोनों हरे शैवाल हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिकीय हरे शैवाल हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। अंतरिक्ष यात्री द्वारा ये पूरक भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये चूंकि प्रोटीन ज्यादा होती है तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके द्वारा ये पूरक भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। अगला पॉइंट है स्पाइरुलिना, अगर इन दोनों की बात आ जाए कि दोनों में किसमें ज्यादा है, क्लोरेला में या स्पाइरुलिना में, तो स्पाइरुलिना में सर्वाधिक
प्रोटीन पाई जाती है। अगला पॉइंट है हाइड्रोडिक्टियन। ये भी एक हरा शैवाल है, को वाटर नेट भी कहते हैं। अगला पॉइंट है उडोगोनियम। ये सब हरे शैवाल है, उडोगोनियम के सूत्र पर टोपी कोशिका, जिसको कहते हैं कैप्सूल, पाई जाती है, खूब पूछा जाता है कि कैप्सूल होती है उसका नाम क्या है, उडोगोनियम। अगला पॉइंट है अल्पाइन क्षेत्र की कि लाल बर्फ, बर्फ लाल नहीं होती लेकिन उस पर जो है क्या होता है, शैवाल होता है। अल्पाइन क्षेत्र की लाल बर्फ हिमेटोकोकस या सी निवेलिस के कारण होती है। अगला पॉइंट है यूलोथिक्स, जो यूलोथिक्स आशाखित अनब्रांचित, इसमें कोई भी शाखा नहीं होती, यूलोथिक्स आशाखित सूत्र और ये होल्ड फास्ट होता है, जिसको आधारीय भाग कहेंगे, से चिपका होता है। जो यूलोथ्रिक्स का असाखित सूत्र है ये होल्ड फास्ट से क्या होगा, चिपका होगा, इसी के सहारे ये खड़ा रहता है। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स में कोशिका में यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक ही, अभी हमने पढ़ा था कि जो यूलोथ्रिक्स है इसमें गर्डल से क्लोरोप्लास्ट होगा, तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक ही क्लोरोप्लास्ट और कुछ पायरिनाइड होते हैं। अभी पायरिनाइड के बारे में भी पढ़ा, तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा और कुछ पायरिनाइड होंगे। यूलोथ्रिक्स के बारे में अगला पॉइंट जानते हैं कि सबसे नीचे स्थापनांग, जिसको अभी हमने होल्ड फास्ट कहा है, तो सबसे नीचे स्थापनांग होता है वो कोशिका जिसके द्वारा वो चिपका होता है,
केंद्रक युक्त होता है। लेकिन क्लोरोफिल विहीन या क्लोरोफिल नहीं होता तथा अब क्लोरोफिल नहीं है तो उसका कलर नहीं होगा तथा रंगहीन होता है। अगला पॉइंट है स्थापनांग जो होल्ड फास्ट है इसकी उपस्थिति यूलोथ्रिक्स में श्रम विभाजन को दर्शाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यूलोथ्रिक्स एक ऐसा शैवाल है जिसमें स्थापनांग पाए जाते हैं। स्थापनांग में क्लोरोफिल नहीं है, रंगहीन है। इसका काम क्या है? केवल उसको चिपकाए रखना है। तो चिपकाए रखने का कार्य कौन करेगा? केवल स्थापनांग करेगा और कोई नहीं करेगा। तो ये जो स्थापनांग की उपस्थिति है यूलोथ्रिक्स में ये क्या दर्शा रही है? श्रम विभाजन है, अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य हो। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स कायिक अलैंगिक और लैंगिक विधि से प्रजनन करता है। अगला पॉइंट है कायिक जनन विखंडन विधि। से होता है जिसको हमने फ्रेगमेंटेशन कई बार पढ़ा है। अलैंगिक जनन ये अभी हम यूलोथ्रिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अचल बीजाणु सुप्त बीजाणु एकाइनीट और पालमेला अवस्था द्वारा होता है। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स के चल बीजाणु जिसको जू स्पोर कहते हो दुई कसा भी या चतुर कसा भी होते हैं। इसके जो चल बीजाणु जो स्पोर है उसमें दो कसाब अथवा चार कसाब पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स में लैंगिक जनन समयुग्मकी
आइसोबेमस प्रकार का होता है। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स के युग्मक में गैमिट जिसको बोलते हैं दो कसाब उपस्थित होते हैं। और हम जानते हैं कि जब दो युग्मक मिलेंगे तो युग्माणु बनेगा, और जब प्रत्येक युग्मक में दो कसाब हैं और युग्माणु बनेगा तो वो चतुर कसाबिक होगा। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स के युग्मनज या इसी को हम कहते हैं युग्माणु, चतुर कसाभिक। होता है। यूलोथ्रिक्स एक सूत्रवत शैवाल है जिसमें कसाभिक जनन अवस्था पाई जाती है। क्या कह रहे हैं कि यूलोथ्रिक्स एक ऐसा फिलामेंटस एल्गा है, ऐसा सूत्रवत शैवाल है जिसमें जो जनन प्रावस्था होती है उसमें कसाभिकाएं होती है, और जो ये युग्माणु बनता है विश्राम काल के बाद, जिसको हम रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। युग्मनज या युग्माणु अर्ध सूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 से 16 चल या अचल बीजाणु बनाते हैं। अगला पॉइंट है ये युग्मनजीय अर्धसूत्रण कहलाता है। जायगोटिक मियोसिस कहते हैं, युग्मनजीय अर्धसूत्रण कहलाता है जो शैवाल या थायलोफाइटा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है अल्बाको, ये नया शैवाल है, एक पॉइंट और देखते हैं। अल्बाको सी लेट्यूस जिसको समुद्री अखरोट कहते हैं कहा जाता है। अगला पॉइंट है हरे शैवाल, अगला पॉइंट है
हरे शैवाल ब्रायोफाइट्स के लिए या स्थलीय पौधों के लिए पुरोगामी है। एंसेस्टर कहते हैं किसी भी स्थलीय, कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहां पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हो या स्थलीय पौधे पाए जाते हो, तो वहां पर पौधों की शुरुआत किससे हुई है? हरे शैवालों से हुई है। इसलिए हरे शैवाल जो है वो ब्रायोफाइट्स या स्थलीय पौधों के लिए एंसेस्टर या पुरोगामी है। मित्रों, ये वीडियो आपको हरे शैवालों पर दी गई है। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इसको अपने नोट्स के रूप में भी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।